न्यूज ऑन मैप प्रोग्राम में आपका स्वागत है। न्यूज ऑन मैप की यह विशेष सीरीज प्रीलिम्स 2019 को टारगेट करती है। इस श्रृंखला में हम उन सभी महत्वपूर्ण स्थानों को कवर कर रहे हैं जो पिछले 1.5 वर्षों में खबरों का हिस्सा रहे हैं। श्रृंखला के इस कड़ी में हम अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया महाद्वीपों के भौगोलिक क्षेत्र को कवर करेंगे। आइए अमेरिका की बात करते हैं, अर्थात उत्तरी अमेरिका, मध्य और दक्षिण अमेरिका। शुरुआत उत्तरी अमेरिका से करते हैं। पहला देश है कनाडा, जिसकी हम यहाँ चर्चा करेंगे। पृथ्वी का उत्तरी चुंबकीय ध्रुव, यानी वह बिंदु जिस पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र लंबवत पड़ता है, अब कैनेडियाई आर्कटिक से साइबेरिया की ओर बढ़ रहा है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। आधिकारिक रूप से कनाडा में अंग्रेजी और फ्रेंच दो भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं, जो कि यह दर्शाती हैं कि इस देश के इतिहास का आधार इन दो बड़ी यूरोपीय शक्तियों की प्रतिस्पर्धा की पृष्ठभूमि में रखा गया था। यह रूस के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। पूर्व से पश्चिम तक यह 6 टाइम जोन्स में फैला है। कनाडा के मूल भूमि क्षेत्र में हजारों निकटवर्ती द्वीप समूह शामिल हैं, जिनमें खास तौर से न्यूफाउंडलैंड और आर्कटिक द्वीप समूह हैं। कनाडा आर्कटिक महासागर, डेनिश राज्य का एक स्वशासित हिस्सा ग्रीनलैंड, अटलांटिक महासागर, संयुक्त राज्य अमेरिका, प्रशांत महासागर और अमेरिकी राज्य अलास्का से घिरा है। ठंडी लैब्राडोर जलधारा गर्म गल्फ स्ट्रीम से न्यूफाउंडलैंड के ग्रैंड बैंक्स के दक्षिण पूर्व में मिलती है। यह दुनिया के सबसे संपन्न फिशिंग ग्राउंड्स में से एक है। कजाकिस्तान के बाद कनाडा यूरेनियम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके अलावा यहाँ ऑस्ट्रेलिया और कजाकिस्तान के बाद दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका को देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका कई वजहों से सुर्खियों में रहा, जैसे यूनेस्को, यूएन मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप और UNFCCC के तहत पेरिस समझौते जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और संधियों से बाहर निकलना, चीन के साथ व्यापार युद्ध में शामिल होना और अफगानिस्तान व सीरिया से अपने सैनिकों की वापसी। अमेरिका की राष्ट्रीय राजधानी वॉशिंगटन DC है। यह कनाडा, अटलांटिक महासागर, मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी और प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। रूस और कनाडा के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा देश है। USA अब दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक है, साथ ही इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा कोयला भंडार है। अब बढ़ते हैं मध्य अमेरिका की ओर। पहला देश कोस्टारिका है, जिसकी हम यहाँ चर्चा करेंगे। कोस्टारिका खबरों में था क्योंकि भारतीय उपराष्ट्रपति ने हाल ही में अपनी दो देशों की यात्रा की, जिसमें पराग्वे और कोस्टारिका की यात्रा को कवर किया गया। कोस्टारिका की राजधानी सैन जोस है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में फैला हुआ कोस्टारिका निकारागुआ, कैरेबियन सागर, पैनामा और प्रशांत महासागर से घिरा है। खबरों में रहे मध्य अमेरिका के अगले देश पनामा की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने अपने तीन देशों ग्वाटेमाला, पेरू और पनामा की यात्रा के एक हिस्से के रूप में पनामा का दौरा किया। पनामा की सीमा कोस्टारिका और कोलंबिया से लगती है और यह कैरेबियन सागर और उत्तरी प्रशांत महासागर के बीच अवस्थित है। पनामा गणराज्य द्वारा स्वामित्व और प्रशासित पनामा नहर पनामा के संकीर्ण लैंड ब्रिज के माध्यम से अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ती है। पनामा नहर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को भी जोड़ती है। 1914 में पूरी हुई यह नहर दुनिया के दो सबसे सामरिक कृत्रिम जलमार्गों में से एक है। दूसरी स्वेज नहर है, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। भारतीय उपराष्ट्रपति ने एक अन्य देश पेरू का दौरा किया था। लीमा पेरू की राजधानी है। पेरू की सीमाएं चिली, इक्वाडोर, बोलीविया, कोलंबिया और ब्राजील के साथ प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट से लगती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन अमेजन, जिसे स्पेनिश में सेल्वा कहा जाता है, पेरू के लगभग आधे हिस्से को कवर करता है। एंडीज पर्वत उत्तर से दक्षिण तक पेरू से होकर गुजरता है। यह दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। पेरू यानी हम्बोल्ट धारा एक ठंडी धारा है, जो दक्षिण चिली से भूमध्य रेखा तक उत्तर की ओर बहती है। यह प्रशांत क्षेत्र की हवा को ठंडा और स्थिर करता है, जिसके फलस्वरूप चिली के उत्तरी तट पर दुनिया के सबसे शुष्क क्षेत्रों में से एक अटाकामा मरुस्थल का निर्माण हुआ है। यह पेरू की सीमा तक फैला हुआ है।
बोलीविया और चिली पेरू के सीमावर्ती देश हैं, जहां राष्ट्रपति ने हाल ही में दौरा किया। आइए सबसे पहले बोलीविया को देखते हैं। सुक्रे बोलीविया की आधिकारिक और न्यायिक राजधानी है, जबकि लापाज राष्ट्रीय सरकार की कार्यकारी और विधायी शाखाओं की सीट है। बोलीविया एक लैंडलॉक्ड देश है जो पेरू, पेराग्वे, ब्राजील, चिली और अर्जेंटीना के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। बोलीविया क्षेत्र के एक तिहाई हिस्से में एंडीज पर्वत फैला हुआ है। अब नजर डालते हैं चिली पर। इसकी राजधानी सैंटियागो है। चिली प्रशांत महासागर और एंडीज के बीच अवस्थित है। भूमि की एक लंबी संकीर्ण पट्टी के रूप में यह विशिष्ट देश है। यह तीन देशों अर्जेंटीना, बोलीविया और पेरू के साथ अपनी सीमा साझा करता है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित चिली का भयंकर भूकंपों का एक लंबा इतिहास रहा है। दक्षिण अमेरिका का सबसे दक्षिणी छोर केप हॉर्न चिली में स्थित है। दुनिया में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक चिली है। अब बढ़ते हैं चिली के एक और पड़ोसी अर्जेंटीना की ओर। 2018 का G20 शिखर सम्मेलन अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में आयोजित किया गया था। यह दुनिया का आठवां सबसे बड़ा देश है और ब्राजील के बाद दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यह देश चिली, बोलीविया, पेराग्वे, ब्राजील, उरुग्वे और अटलांटिक महासागर से घिरा है। भौगोलिक दृष्टि से अर्जेंटीना का प्रभुत्व पश्चिम में एंडीज पर्वत श्रृंखला, केंद्र में उपजाऊ पंपास घास के मैदानी क्षेत्र, उत्तर में चाको का तराई मैदान, दक्षिण में पैटागोनिया के पठार तक है। इसके जल दो प्रमुख महासागरीय धाराओं, उष्ण ब्राजील धारा और ठंडी फॉकलैंड्स धारा से प्रभावित होते हैं। दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत अंत में हम वेनेजुएला पर चर्चा करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के नेता ने मौजूदा राष्ट्रपति की शक्ति को चुनौती देते हुए खुद को वेनेजुएला का राष्ट्रपति घोषित किया है। वेनेजुएला की राजधानी काराकास है। वेनेजुएला कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर, गुयाना, ब्राजील और कोलंबिया से घिरा है। टोबैगो और त्रिनिदाद, ग्रेनाडा, अरूबा, कुराकाओ और लेसर एंटलीज के कैरेबियाई द्वीप वेनेजुएला के तट के साथ स्थित हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात द एंजल फॉल्स वेनेजुएला में स्थित है। लानोस घास के मैदान का विस्तार पश्चिमी वेनेजुएला पर है। वेनेजुएला के पास दुनिया में सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है। अब हम ओशिनिया की ओर बढ़ेंगे, जो एक महाद्वीप की तुलना में बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी और पापुआ न्यूगिनी जैसे देश ओशिनिया का हिस्सा हैं। पहले ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अप्रैल में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम तट पर आयोजित द्विवार्षिक ऑसिनडेक्स अभ्यास के तीसरे संस्करण में हिस्सा लिया। ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया से तिमोर और अराफुरा सागर द्वारा, पापुआ न्यूगिनी से कोरल सागर और टॉरेस जल संधि के द्वारा, कोरल सी आइलैंड्स टेरिटरी से ग्रेट बैरियर रीफ द्वारा और न्यूजीलैंड से दक्षिण पूर्व में तस्मान सागर द्वारा व सुदूर दक्षिण में अंटार्कटिका से हिंद महासागर द्वारा अलग होता है। ऑस्ट्रेलिया का एक पृथक द्वीपीय राज्य तस्मानिया बास जल संधि द्वारा इससे अलग होता है। ऑस्ट्रेलिया का एक तिहाई से अधिक हिस्सा रेगिस्तानी है। कुछ महत्वपूर्ण रेगिस्तान ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, सिम्पसन और गिब्सन डेजर्ट हैं। ऑस्ट्रेलिया दुनिया में यूरेनियम का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा रिसोर्स बेस है। अब आगे जिस देश के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वह है न्यूजीलैंड। हाल ही में यह सुर्खियों में था क्योंकि न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च के दो मस्जिदों में गोलीबारी हुई थी। इसके अलावा न्यूजीलैंड में वांगनुई नदी को एक जीवित इकाई के रूप में कानूनी दर्जा दिया गया था। यह न्यूजीलैंड में उत्तरी द्वीप की एक प्रमुख नदी है। माओरी जनजाति ने 140 वर्षों की वार्ता के बाद वांगनुई नदी के लिए मान्यता हासिल की। वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है। न्यूजीलैंड दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में द्वीपों का एक पर्वतीय समूह है। दो मुख्य द्वीप, उत्तर और दक्षिण द्वीप, कुक जल संधि द्वारा अलग होते हैं। ऑस्ट्रेलिया इसका निकटतम पड़ोसी है। न्यूज ऑन मैप के आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आगामी प्रीलिम्स के लिए आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा।